अब मैं आपको ना मर्दी, मर्दाना कमजोरी जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंस कहते हैं के बारे में बताऊंगा। ना मर्दी या मर्दाना कमजोरी से मुराद है कि मर्द उज़्वे खास में तनाव की कमी या तनाव के बरकरार ना रहने की वजह से अज़्दवाजी अमल यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों मियाँ बीवी की के इत्मीनान के मुताबिक मुकम्मल नहीं कर सकते। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे इट इज़ इनएबिलिटी टू अटेन और मेंटेन एन इरेक्शन सफिशेंट फॉर वजाइनल इंटरकोर्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ द पार्टनर्स। ये ईडी या मर्दाना कमजोरी या नामर्दी दो किस्म की होती है, ऑर्गेनिक सेक्सुअल डिसफंक्शन या ईडी और साइकोजेनिक सेक्सुअल डिसफंक्शन या ईडी या नामर्दी। मरीज की तफसीली हिस्ट्री और लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मर्ज का तयन किया जाता है कि ये साइकोजेनिक ईडी या नामर्दी है या ऑर्गेनिक ईडी या नामर्दी है। उसके बाद सेक्स थेरेपी काउंसलिंग और अंग्रेजी अद्वियात यानी एलोपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से 10 हफ्ते तक मरीज का इलाज किया जाता है जिससे मुकम्मल तौर पर मरीज शफायाब हो जाता है। पहले हफ्ते से ही मरीज को इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है और 10 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह दोबारा फिर उसको दोबारा डॉक्टर साहब के पास या किसी और क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत नहीं रहती। साइकोजेनिक नामर्दी में साइको सोशल फैक्टर्स बॉडी में केमिकल लेवल चेंज कर, जिस तरह आप जब खुशी की हालत में होते हैं तो जो बॉडी की आपकी फीलिंग होती है वो सर्टन केमिकल के लेवल की वजह से होती है, इसी तरह जब आप गुस्से या परेशानी की हालत में होते हैं तो जो आपकी बॉडी की फीलिंग होती है वो भी सर्टन केमिकल के लेवल की वजह से। जो साइको सोशल फैक्टर्स बॉडी में फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि ये बॉडी का केमिकल लेवल क्या है, इसलिए वो जो पुराना कंसेप्ट है ना ये साइकोलॉजिकल है, ये कोई बात नहीं है, इस तरह नहीं है। तो जो साइको सोशल फैक्टर्स बॉडी में केमिकल लेवल चेंज करते हैं तो केमिकल लेवल चेंज के लिए हम एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं जिसको अंग्रेजी अद्वियात भी कहते हैं, जबकि साइको सोशल फैक्टर्स के लिए सेक्स थेरेपी एंड काउंसलिंग उनका स्पेसिफिक तरीका है। सेक्स थेरेपी एंड काउंसलिंग के 4 कंपोनेंट पार्ट होते हैं, एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ डिफिकल्टी, एनहांसिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स, इन्वॉल्विंग बोथ पार्टनर इन ट्रीटमेंट एंड एडवाइजिंग सर्टेन होम एक्सरसाइज। इस तरह सेक्स थेरेपी, काउंसलिंग और अंग्रेजी अद्वियात के इस्तेमाल से ये जो साइकोजेनिक ईडी, साइकोजेनिक सेक्सुअल डिसफंक्शन, साइकोजेनिक मर्दाना कमजोरी या साइकोजेनिक नामर्दी का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज से मरीज ठीक हो जाता है और बाकी उम्र ठीक रहती है।